हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मित। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम एक नहीं दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आए हैं। सो किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आई है, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे वीडियो में। सो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के साथ। बाकी इस डिपार्टमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं। अपने सिटी, अपने डिस्ट्रिक्ट एंड अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप हमारी ऑफिशियल साइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजिट ज़रूर करना है एक बार। अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर वैकेंसीज को देख कर अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं दो लेटेस्ट डिपार्टमेंट की आई हुई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें एक नोटिफिकेशन आया है PNB डिपार्टमेंट की तरफ से, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, जहां पर 10th 12th ग्रेजुएट सारे कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। इसके अलावा जो सेकंड डिपार्टमेंट है NMDC की तरफ से, एक और नया नोटिफिकेशन आया है, बिल्कुल फ्रेश आज ही आया है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे किस तरह अप्लाई करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक करते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे मेरा और मन करता है मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वैकेंसीज लेकर आऊँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं NMDC का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। NMDC मीन्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, जिसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करना भी स्टार्ट हो चुका है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ, 63 वैकेंसीज आउट हुई है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। इसके अलावा बात करते हैं इसमें कौन सी वैकेंसीज है और आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाली है। ये जो वैकेंसीज आउट हुई है जूनियर ऑफिसर की है, अलग अलग डिसिप्लिन में, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। जूनियर ऑफिसर की जो वैकेंसीज है, इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम आपका होने वाला है इसमें। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट हो सकता है। जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया ही रहने वाली है इसमें। अगर मैं बात करूँ सैलरी की, बहुत बढ़िया सैलरी है इसमें, 37,000 से 1,30,000 पर मंथ सैलरी है आपकी। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। आपकी एज मिनिमम जितनी मर्जी आप अप्लाई कीजिए, जैसे 18, 19 जितनी मर्जी है, बट जो मैक्सिमम है वो 32 है। इसके अलावा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जैसे कि OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल का, SC ST को 5 साल का, ex-servicemen को भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया जा रहा है, तो ये उनके लिए भी प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल या फिर OBC कैंडिडेट है, आपको फ़ी पे करनी है 250 रुपीज़। SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC के लिए ही है सिर्फ, वो भी 250 एप्लीकेशन की फ़ी है। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 23rd March 2021 है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। PNB का नोटिफिकेशन है, उसके लिए लास्ट डेट भी अप्लाई करने की 23rd March 2021 ही है, इसलिए मैंने दोनों नोटिफिकेशन को एक ही वीडियो में इंक्लूड किया है। तो पोस्ट का हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जूनियर ऑफिसर की ये पोस्ट है, ये जो पोस्ट है माइनिंग ट्रेनिंग के लिए है, मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए है, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए वैकेंसीज है, जो उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। इसमें आपकी जो पहली ट्रेनिंग होने वाली है, मतलब पहले जो आपकी इसमें 12 टू 18 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपको 37,000 पर मंथ सैलरी दी जा रही है। उसके बाद आपकी 1,30,000 पर मंथ आपकी होने वाली है। तो ये आपके लिए सैलरी बहुत अच्छी है, अगर एलिजिबल है अप्लाई आपने ज़रूर कर लेना है। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, बिकॉज लास्ट डेट में वेबसाइट बिजी हो जाती है। अब बात करते हैं हम PNB का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप बैंक एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे SBI क्लर्क, RBI ग्रेड बी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करके ज़रूर से आप एनरोल कर लेना। इसके अलावा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, जैसे अगर आप रेलवे, SSC या बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्वालिफिकेशन लेवल की हो, उसके लिए भी आप एनरोल ज़रूर से कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ कर रहे हैं तानिया,
TANYA, तो चेक करके इंडोल जरूर करना। अब हम बात करें PNB का नोटिफिकेशन। PNB का जो नोटिफिकेशन है वो भी एक नहीं दो नोटिफिकेशन आए हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नोटिफिकेशन का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। आपने 10th पास की है, आपने 12th पास की है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं 12th बेसिस पर। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। 14,500 से 28,145 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। ये जो वैकेंसीज आउट हुई है इसके लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की 23rd मार्च 2021 है। और इसके लिए जो एज लिमिट आपकी रहने वाली है मिनिमम 18 मैक्सिमम 24 है। एज पर नॉर्म्स आपको रिलैक्सेशन इसमें मिल रहा है, जैसे OBC को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को अदर रिलैक्सेशन इसमें दिया जा रहा है। ये जो फर्स्ट नोटिफिकेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो वैकेंसीज आउट हुई है PN की पोस्ट के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं PNB का जो सेकेंड नोटिफिकेशन है, उससे पहले आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ दोनों का एप्लीकेशन प्रोसीजर बिल्कुल ही सेम है। जिस लोकेशन के लिए ये आया है मैं आपको बता भी देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्मेट है ये, आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट इसी तरह से आपको तैयार करना है। आप चाहो आप अपने PNB बैंक पर विजिट करके उनसे ये फॉर्म ले सकते हैं और वहाँ पर फिल करके सबमिट भी करवा सकते हैं। आप चाहो खुद से आप इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर सकते हैं, खुद से तैयार कर सकते हैं और आपको उनको फिर विजिट करके सबमिट करवाना होगा, या आप बाई पोस्ट भी इनको सेंड कर सकते हैं। अब हम PNB का जो सेकेंड नोटिफिकेशन है उसकी बात करें, इसके लिए भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ना आपकी कोई फ़ी पे करनी है आपको। ये जो पोस्ट आउट ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। एज लिमिट भी सेम है 18 to 24 प्लस रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। सैलरी भी सेम है बट पोस्ट अलग है। ये जो पोस्ट है स्वीपर की पोस्ट है जो आउट की गई है। ये जो दो नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं अलग अलग लोकेशन के हैं, एक है बिहार पटना के लिए और एक है शिमला हिमाचल प्रदेश के लिए। अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं आप ज़रूर अप्लाई करना, बिकॉज इसके लिए आपको ज़्यादातर जो प्रेफरेंस है वो लोकल कैंडिडेट को ही दी जाती है। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है दोनों के दोनों। नोटिफिकेशन रीड करके फिर ही आपने अप्लाई कर लेना है। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई। अपनी क्वालिफिकेशन या अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके www.clori.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।